समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल ने कहा कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं जनपद रामपुर में मीडिया से वार्ता करते हुए समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल ने कहा कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने वहीं रामपुर प्रशासन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रामपुर प्रशासन ने जिस तरह से मतदान सकुशल तरीके से संपन्न कराया, तो वहीं मतगणना को भी लेकर रामपुर प्रशासन सकुशल और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के रामपुर प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। साथ ही उन्होंने अपील की कि जो भी प्रत्याशी जीते वो ढोल नगाड़े ना निकाले। उन्होंने कहा शांति के साथ जीत को स्वीकार करें। वहीं अब आइए सुनते हैं समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधीम इकबाल एडवोकेट क्या कह रहे हैं। जिस तरह से जिला प्रशासन ने सकुशल शांतिपूर्वक मतदान कराया है, उसके लिए हम सबसे पहले उन्हें बधाई देंगे और उम्मीद है कि जिला प्रशासन मतगणना को भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कराएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। 10 तारीख को हम सब लोग बहुत ही सीधे साधे ढंग से और जो हौसलेमंद तरीके से इसकी जीत की खुशी मनाएंगे। और तमाम साथियों से मेरी अपील है कि किसी रंग का कोई विजयी जुलूस या ढोल नगाड़ा ना बजाएं, कोई किसी प्रकार की आतिशबाजी ना करें। हम लोग कामयाब होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जनता की सेवा करने के बाद में इस खुशियों को बांटेंगे, आपस में मिठाई बांटेंगे और गरीबों की हमदर्दी में सरकार काम करेगी, हमारा पूरा विश्वास है। माननीय आजम खान साहब के हाथ मजबूत होंगे, माननीय आजम खान साहब जेल से रिहाई होगी उनकी, और तमाम ही मुकदमात जो फर्जी तरीके से लगाए गए माननीय आजम खान साहब के ऊपर हमारे, वो भी उम्मीद है कि वो भी खत्म होंगे। पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर और न्यायपालिका ने जो भी इंसाफ किया है हम उसकी कदर करते हैं और हमेशा इंसाफ की कदर होनी चाहिए, न्यायालयों की कदर होनी चाहिए और उसकी इज्जत होनी चाहिए। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मोहम्मद आजम खान साहब 10 मार्च के बाद में हम सबके बीच होंगे और खुशियां मनाएंगे जीत की हम सब।